नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी फंडे। ये एक नया चैनल है और ये चैनल मैंने बनाया है मूवी रिव्यूज़ के लिए, वेब सीरीज़ की रिव्यूज़ के लिए, शॉर्ट फिल्म्स की रिव्यूज़ के लिए, एल्बम्स की रिव्यूज़ के लिए, और किसी भी तरीके की डिमांड अगर आप लोगों की है तो उस मूवीज़ की रिव्यूज़ के लिए भी। सबसे पहले मैं आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अपना प्यार दें। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज पहली मूवी। जो पहली मूवी है दोस्तों, आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो बाहर मूवी देखने जा नहीं सकते। तो जो मेरी पहली मूवी का रिव्यू है वो एक वेब मूवी है जो कि आपको G5 पे देखने को मिलेगी और मूवी का नाम है अतीत। इस मूवी के जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं राजीव खंडेलवाल, प्रियमणि और संजय सूरी। दोस्तों ये मूवी जो है, इसका जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे बहुत एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग लगी थी ये मूवी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अच्छी थ्रिलर, सस्पेंस और हॉरर मूवी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही मूवी कल रिलीज हुई है OTT प्लेटफॉर्म पे तो मैंने कल इसको देख डाली। इस मूवी की लेंथ समवेयर अराउंड 2.5 आवर है, जो कि अच्छा खासा लेंथ है। और ये मूवी स्टार्ट होती है एक सोल्जर की फैमिली से, जहाँ पे संजय सूरी होते हैं, उनकी वाइफ होती है, उनकी बच्ची होती है, एंड वो खुशी खुशी के साथ रह रहे होते हैं सबके सब। बट सब उनकी ज़िंदगी में एक तूफान सा आता है जब एक मरा हुआ फौजी, जिसको सब समझते कि मर चुका है, वो फौजी वापस आता है। और फिर ऐसा क्या होता है जो कि दो फैमिली के, जो उनकी फैमिली संजय सूरी की फैमिली है, उनके आपस में ही कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, कुछ सुपरनेचुरल भी होता है। तो क्या कुछ उनके अतीत में छिपा हुआ है, क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है, ये सारी बातों को ये फिल्म आपके सामने लाके रखती है। तो कोशिश डायरेक्टर ने करी थी कुछ एक हॉरर के साथ थ्रिलर देने की कोशिश करी थी, बट उसमें कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे हैं। अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो बहुत कमज़ोर कहानी है दोस्तों। ये आप आज से अगर 10 साल 15 साल पहले ये फिल्म देखते तो आपको शायद ये फिल्म पसंद आती उस टाइम के हिसाब से, बट आज के टाइम पे जैसे फिल्में हमें देखने को मिल रही हैं, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्में हों, बॉलीवुड हों, वेब सीरीज हों, चाहे वो साउथ इंडस्ट्री की मूवीज़ हों, सारी मूवीज़ काफ़ी अच्छे बन रहे हैं आज की डेट में। उस लेवल पर ये मूवी कहीं भी खरी नहीं उतरती है। और डायरेक्शन भी फिल्म की बहुत ढीली है, आपको बहुत टाइम लगेगा, कितना बोर हो रहे हो आप छोड़ के जाना चाहोगे फिल्म को। तो समवेयर ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट करती है जैसा मुझे किया है। तो इस फिल्म को मैं रिव्यू जो देना चाहूँगा वो 1.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 में से, और वो भी 1.5 स्टार में सिर्फ एक्टिंग की वजह से देना चाहूँगा कि लोगों ने अपने एफर्ट डाले हैं एक्टिंग के अंदर में, चाहे वो राजीव खंडेलवाल हों, चाहे वो प्रियमणि हों, उन्होंने ठीक ठाक काम करा है, उसकी वजह से मैं 1.5 स्टार देना चाहूँगा। दोस्तों आपको क्या लगता है मेरे रिव्यू के बारे में? आप मुझे अपने सजेशंस दीजिए, आप मुझे कुछ और नया देखना चाहते हैं वो बताइए। धन्यवाद। जय हिंद रवि।